Hi guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing amazingly well. If you're new here, please don't forget to subscribe to Baby Zoned. You can also follow us on Instagram for some of our best content that we keep putting there also. Our Instagram ID is Baby Zoned. आज की वीडियो का टॉपिक सारे न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा. As a new mom, I can understand it does not matter whether you are a stay-at-home mom, whether you are working, whether you have your own business. हमेशा हम new moms are short of time. Especially जब हमारे babies छोटे होते हैं and we have to start giving them solid foods, we are always under some kind of guilt. We are always scared कि हम अपने busy routines के साथ साथ अपने baby का food अच्छे से manage कर पाएं. We do not compromise on their nutritional values. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा पहले से प्लान करके रखें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमेशा हैंडी रखें ताकि हम अपने बेबी को न्यूट्रिशनल फूड भी दे सकें एंड एट द सेम टाइम उसे बनाने में जितना टाइम सेव हो सकता है वो भी कर लें, सो दैट वी कैन एन्जॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. सो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स, सम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स दैट आई यूज टू ऑलवेज कीप हैंडी. मैं पहले से ही सैटरडे या संडे को वो इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके रख लेती थी, सो दैट व्हेन आई हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर फूड फॉर माय बेबी. आई हैव अ 1.5-year-old डॉटर नाउ, बट व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग हर सॉलिड फूड्स आई यूज टू कीप दीज इंग्रेडिएंट्स हैंडी सो दैट इट सेव्स मी टाइम व्हेन आई यूज टू प्रिपेयर देम. आई होप दिस लिस्ट इज हेल्पफुल टू ऑल द न्यू मदर्स. इट विल हेल्प यू सेव टाइम, इट विल हेल्प यू प्लान अ लिटिल बेटर एंड इट विल हेल्प यू गिव हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड टू योर बेबीज. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. विदाउट फर्दर डिले लेट्स जम्प इन टू द वीडियो. वेलकम टू बेबी ज़ोन्ड. So the first ingredient that I want to list here is roasted suji या roasted rava. The suji or rava that you purchase from the market, आप उसे एक appropriate quantity में already roast करके रख लीजिए. What I used to do was, मैं suji या rava market से लाकर उसे घी में roast करके एक box में हमेशा handy रखती थी. So when I used to prepare food for Varya, I used to just take it out and add the ingredients depending on what I was making for her. आप रोस्टेड सूजी अगर आपके पास हैंडी पड़ी है इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप उस रोस्टेड सूजी को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर मेकिंग फॉर योर बेबी. यू कैन मेक मीठा हलवा फॉर द बेबी, यू कैन ऑल्सो मेक नमकीन उपमा फॉर द बेबी एंड द बेस्ट पार्ट इज जो रोस्टेड सूजी होती है वो कैरी करनी बहुत आसान है. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और इफ यू आर गोइंग टू अ रिलेटिव्स प्लेस और आपको कहीं बाहर का खाना अपने बेबी को नहीं खिलाना, यू कैन कैरी द रोस्टेड सूजी एंड यू कैन मेक द बेबी फूड क्विकली एट देयर प्लेस. ऑल्सो जो सूजी आप रोस्ट करके रख लेते हैं उसमें कीड़े नहीं लगते. आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू एड हियर, वी ऑल नो कि स्पेशली 9 months से छोटे बच्चों को सॉल्ट और शुगर दोनों अवॉइड करने चाहिए. अगर आप मीठी सूजी बना रहे हैं या नमकीन सूजी बना रहे हैं, मैं वो कैसे बनाती थी आई विल पुट दैट अप इन अनदर वीडियो. पर एक बार आपका बेबी 1 year क्रॉस कर ले तो आप शुगर हनी या गुड़ ऐड करके शक्कर ऐड करके मीठा हलवा बना सकते हैं या फिर आप प्रॉपर वेजीज एंड मसाले ऐड करके सूजी से उपमा बना सकते हैं. सो ऑलवेज कीप रोस्टेड सूजी हैंडी विद यू. द सेकेंड इंग्रीडियंट दैट आई यूज टू मेक श्योर कि घर पे खत्म ना हो was nut powder. So what I used to do was kaju, badam, walnuts and pista, isme se jo bhi aapke paas available hai, just grind it into a powder, a fine powder and put it in an airtight box and keep it in your fridge. Nuts baby ko dene bahut hi zyada healthy aur beneficial mane jate hain. So agar aapke paas ye powder ready pada hai, you can just add an appropriate quantity to anything that you are giving to your baby. फॉर एग्जाम्पल जब वार्या 9 months से छोटी थी आई यूज टू एड जस्ट अ पिंच ऑफ इट टू खिचड़ी, टू सूजी की खीर, टू मिल्क, टू ओट्स, जिस भी चीज में वो एड हो सकता है आई यूज टू मेक श्योर दैट आई गिव इट टू वार्या वंस अ डे एटलीस्ट. एंड वंस शी क्रॉस्ड 1 year, इवन नाउ शी इज 1.5-year-old, मैं रोज किसी ना किसी चीज में 1 spoon ऑफ नट पाउडर मिक्स करके उसे जरूर देती हूँ. So keep the nut powder handy.
नाउ थर्ड इंग्रेडिएंट आप लोगों को शायद फनी लगे या आप लोगों को शायद लगे कि इसमें कितनी देर लगती है, बट मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा. आई यूज टू मिक्स हाफ राइस एंड हाफ मूंग की दाल एंड पुट इट इन अ कंटेनर. सो मेरे घर में द वे द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज, वी हैव राइस इन अ बिग बॉक्स एंड वी हैव अ सेपरेट अलमीरा फॉर ऑल द पल्सेस. तो जब मुझे वारिया का फूड पैक करके देना होता था डे केयर में, आई वॉज वर्किंग, आई यूज टू ड्रॉप वारिया टू अ डे केयर. सो इट यूज टू सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक आउट द इंग्रेडिएंट्स, द टू डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट बॉक्सेस. मेरे पास दाल और चावल मिक्स किए हुए ऑलरेडी बॉक्स में हमेशा पड़े रहते थे. ऑल्सो जब बेबी छोटा होता है, वी हैव टू मेक श्योर कि हर मील बेबी के लिए फ्रेश बनाई जाए, बेबी को बासी खाना नहीं देना चाहिए. सो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था कि इफ आई एडेड 3 स्पून ऑफ दैट मिक्सचर, एक बारी के लिए वारिया के लिए सफिशेंट खिचड़ी रेडी हो जाती थी. सो आई यूज टू जस्ट मेक 3 स्पून ऑफ दैट मिक्सचर. सो टू सेव टाइम यू कैन मिक्स चावल एंड दाल इन अ कंटेनर एंड एयर टाइट कंटेनर एंड कीप इट हैंडी. ऑल्सो जब भी हमने ट्रैवल किया, आई यूज टू कैरी दैट कंटेनर विद मी. अगर हम किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, आई यूज टू जस्ट गिव दैट कंटेनर टू द शेफ एंड आस्क हिम टू प्रिपेयर खिचड़ी, स्पेशली इन द साउथ, बिकॉज वहाँ पे चावल अलग तरह के होते हैं एंड आई वॉज स्केयर्ड कि वारिया शायद कुछ नहीं खा पाए. सो आई कैरीड द रोस्टेड सूजी एंड आई कैरीड दिस मिक्सचर ऑफ दाल एंड चावल इन टू डिफरेंट बॉक्सेज वेन वी ट्रेवल टू साउथ. फोर्थ इंग्रीडियंट टू कीप हैंडी, जब वारिया 9 मंथ से छोटी थी, आई डिड नॉट गिव एनी सॉल्ट और शुगर टू हर एट ऑल. सो जब मैं सूजी की खीर बना के उसे देती थी, आई डिड नॉट इवन यूज काउ मिल्क और बफेलो मिल्क टिल द टाइम शी टर्न्ड 1 ईयर. आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट सून. बट जब आई यूज टू मेक सूजी की खीर फॉर हर, उसको मीठा करने के लिए आई यूज टू ईदर एड एप्पल प्यूरी टू इट और आई यूज टू एड डेट्स एंड रेसन्स टू इट. सो वॉट आई यूज टू डू इज मैं डेट्स के ऑलरेडी सीड्स निकाल के रख लेती थी. आई यूज टू कीप अ हैंडफुल ऑफ डेट्स इन एन एयर टाइट कंटेनर. अगर आपको सीडलेस डेट्स मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आपको सीड्स वाले डेट्स मिलते हैं मार्केट से, आई यूज टू पुट 4 रेसिन्स एंड 1 डेट थोड़े से पानी में उसे ग्राइंड करके आई यूज टू एड दैट टू द सूजी की खीर फॉर स्वीटनिंग इट एंड एनहेंसिंग द टेस्ट. ऑल्सो डेट्स एंड रेजन्स आर बेनिफिशियल फॉर द बेबी. सो दैट इज वन मोर थिंग दैट आई यूज टू कीप हैंडी. डेट्स के सीड्स निकाल के आई यूज टू कीप देम इन एन एयर टाइट कंटेनर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट दैट यू कैन कीप हैंडी, जब भी आप अपने बेबी को ओट्स देना स्टार्ट करें, आप ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके ग्राइंड करके वो भी एक छोटे कंटेनर में रख सकते हैं. अगर आपका बेबी इतना बड़ा हो गया है कि वो बिना ग्राइंड करे ओट्स खा सकता है, देन इट्स फाइन. अदरवाइज इफ योर बेबी इज बिटवीन 7 to 9 months और आप उसको बिल्कुल मैश फूड दे रहे हैं, दिस ऑल्सो हेल्प्स टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड गिव हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड टू योर बेबी. आई रियली होप दिस वीडियो कैन हेल्प ऑल द न्यू मॉम्स जिनके बेबी सॉलिड फूड स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं. इट इज इंडीड अ बिग माइल स्टोन इन अ मॉम्स लाइफ. सो एंजॉय दिस फेज, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी पेरेंटिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.